Continue with chapter number 3, Tools of Financial Statements. In this video, we are going to discuss question number 2. And the question is, from the following balance sheet, prepare comparative balance sheet of Sun Limited. And balance sheet is given in the question. Format is already prepared. Note number is there. 31st March 2020, 31st March 2019. जैसे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें फॉर्मेट जो था वो नहीं बना था, तो हमने खुद फॉर्मेट पहले बनाया। अब इस क्वेश्चन में जो है आपको पहले ही फॉर्मेट जो है वो रेडी है, ठीक है। सो हमने जो फॉर्मेट था उसको बिल्कुल सेम लिख लिया, ऊपर हेडिंग डाल दी कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2019 एंड 2020। पर्टिकुलर्स नोट नंबर पहले प्रीवियस ईयर लिखते हैं 31st मार्च 2019, देन करंट ईयर लिखते हैं 31st मार्च 2020, देन एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज। फॉर्मेट पहले ही क्वेश्चन में बना था, सो बिल्कुल हमने उसको सेम कॉपी पेस्ट कर लिया। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बॉरविंग, करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल टोटल। एसेट साइड भी ऐसे ही हमने लिख लिया, नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल एंड टोटल। क्लियर। सबसे पहले हमने 2019 की वैल्यूज़ को लिखना है। सो 2019 की वैल्यूज़ हैं, शेयर कैपिटल आपको गिवन है 3 लाख, लॉन्ग टर्म बॉरविंग्स हैं 2 लाख, ट्रेड पेबल हैं 1 लाख एंड टोटल इज 6 लाख। एसेट साइड फिक्स्ड एसेट्स हैं 3 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख और टोटल 6 लाख। अब हम 2020 की वैल्यूज़ को लिख लेंगे। शेयर कैपिटल 3,50,000, लॉन्ग टर्म बॉरविंग्स 1 लाख, ट्रेड पेबल 1,50,000, टोटल इज 6 लाख। एसेट साइड भी लिख लेंगे, फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख, टोटल 6 लाख। हाँ जी, ठीक है। सो सभी वैल्यूज़ को हमने लिख लिया। देन थर्ड कॉलम, सी कॉलम जो है वो है एब्सोल्यूट चेंज, दैट इज़ बी माइनस ए। अब वैल्यू होगी है 3,50,000 की, पहली थी 3 लाख, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गई है। कितना इंक्रीज आया है 50,000 का, इंक्रीज है तो पॉजिटिव लिख लिया। अब वैल्यू होगी है 1 लाख की, पहले थी 2 लाख की, तो मतलब डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, 1 लाख का डिफरेंस लिख लिया, ये डिक्रीज है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब ट्रेड पेबल्स हो गए हैं 1,50,000 के, पहले थे 1 लाख के, सो इंक्रीज आया है। कितना इंक्रीज आया है, 50,000 का। टोटल 6 लाख हो गया, पहले भी 6 लाख था, नो इंक्रीज नो डिक्रीज हाइफ। अगर हम इसको वर्टिकल और हॉरिजेंटल देखें तो एक तरह से यहाँ 0 आ गया, 50 प्लस 50 1 लाख 1 लाख माइनस 1 लाख 0, यहाँ भी 0 ही बन रहा है। मूविंग टू एसेट साइड, अब वैल्यू होगी है 4 लाख की, पहले थी 3 लाख की, मतलब 1 लाख का इसमें इंक्रीज आया है, सो पॉजिटिव लिख लिया। अब वैल्यू होगी है 2 लाख की, पहले थी 3 लाख की, सो डिक्रीज आया है। कितना डिक्रीज आया, 1 लाख का डिफरेंस लिख लिया, डिक्रीज है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। अब टोटल है 6 लाख, पहले भी था 6 लाख, तो ये भी क्या आ गया एक तरह का 0। वर्टिकल देखें, पॉजिटिव 1 लाख, नेगेटिव 1 लाख 0, 6 लाख 6 लाख 0। क्लियर। वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो है वो सेम होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब परसेंटेज है, दैट इज एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इन 200। 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 16.66 आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे 67। माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इन 200, तो ये आपके पास आ जाएगा 50। जिसका एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव है उसकी परसेंटेज भी नेगेटिव ही होगी। ट्रेड पेबल्स 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इन 200, तो ये आपके पास आ जाएगा 50। टोटल, जिसका टोटल में एब्सोल्यूट चेंज 0 है, तो उसकी परसेंटेज भी एक तरह की 0 ही होगी, हाइफन डाल दिया।
क्लियर है। परसेंटेज का आपको वर्टिकल हॉरिजेंटल चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ वेरिएशंस आ सकती हैं। देन इट इज एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 33.333। देन इट इज माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 333.33। इसका एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव है तो इसकी जो परसेंटेज है वो भी नेगेटिव ही होगी। क्लियर है। देन टोटल एब्सोल्यूट चेंज इज जीरो, सो परसेंटेज भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फाइन। सो इस क्वेश्चन में आपको पहले ही बैलेंस शीट का जो था फॉर्मेट क्वेश्चन में बना था, हमने उसको सेम लिख लिया। फिर हमने पहले प्रीवियस ईयर लिखा, देन करंट ईयर हमने लिखा, देन डिफरेंस ढूंढ लिया बी माइनस ए करके, परसेंटेज सी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर 3 टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।